जब से हमने होम स्टे किया हिमालय नाग से तो हमारे हाथ में कैश आने लगा और हम लोगों ने अपने घर का जो परिस्थिति थी उसमें भी बदलाव आया, सुधार आया। लोग आने लगे तो उस समय घबरा जैसे होते थे उस समय। अब हमारे यहाँ जर्मन आ जाएं, अमेरिकन आ जाएं, जापानीज आ जाएं, हमें उनकी भाषा न भी आए, हम अपनी पहाड़ी में बोलकर भी अपना एक दबदबा बनाए रखते हैं। और वो समय ज़रूर लगा और एक दूसरे का सहारा। हिमालय नार्क असल में एक समुदाय आधारित पर्यटन कंपनी है। शुरुआत हमने कंपनी के रूप में नहीं की थी, शुरुआत तो हमारा 2004 में हुआ था जब हमने सरमोली गांव में, सरमोली जैते गांव, दो गांव जो एक वन पंचायत के हम सब हकदार हैं, कि किस तरह से हम लोग संरक्षण के काम में जुड़े रहें। संरक्षण के काम में जुड़ने के लिए आजीविका की बहुत ज़रूरत है, तो उस समय हमने ऐसे सोचा कि एक ऐसी आजीविका हम ढूंढें जहाँ पर आप दोहन नहीं कर रहे हैं, नॉन एक्सट्रैक्टिव हो पर उसमें ये भी हो कि लोग कमाएं। 13 होमस्टे से शुरुआत की और करते करते हम 25 होमस्टेज हो गए थे, पर जिनके पास एक एक्स्ट्रा कमरा नहीं था जहाँ पर वो अपने मेहमान को बिठा सके, तो वहाँ हम लोगों ने गाइड्स के रूप में काम करना शुरू किया। नौजवान लड़के, लड़कियाँ, पुरुष, क्योंकि जंगल को तो चप्पा चप्पा वो जानते हैं, कहानियाँ जानते हैं, संस्कृति जानते हैं, तो क्यों नहीं थोड़ी बहुत क्षमतावर्धन से वो गाइड बन जाए। हिमालय नार्क में होमस्टेज तो दहलीज में पहला कदम है, आपके गांव में प्रवेश करने का एक तरीका है। उसके बाद हमारे गाइड्स हैं जो डे ट्रैक्स के लिए ले जाते हैं, उसके अलावा हम लोग मल्टी डे ट्रैक्स जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड्स हैं, यहाँ के 7000 मीटर के 3 पीक्स हैं, नंदा देवी ईस्ट है, पंचचुली बेस कैंप है, ग्लेशियर्स हैं मिल्लम रालम, तो ये सारे हम कवर करते हैं। जब आप हिमालय नाग के एक होमस्टे में रहते हैं तो आप केवल उस घर के मेहमान नहीं रहे, आप गांव के मेहमान हैं। जैसे होमस्टे चलाते हैं हम लोग तो एक तो हमारी आजीविका भी बन जाती है, इसमें अपना रोज़गार का साधन भी है, दूसरा हम लोग वन पंचायत से जोड़कर इसको कर रहे हैं आज के दिन। तो जैसे हम लोग अपनी कमाई में से 2% हम लोग संरक्षण कोष में डालते हैं वन पंचायत का, तो एक तो हमारा जंगल भी बचा रहेगा और हमारे पानी के स्रोत भी बने रहेंगे। अब उसे मैं किस काम से खाना है करके मना नहीं किया, मैंने हिम्मत किया, हिम्मत तो किया, भगवान ने दिया होगा फिर हिम्मत। हाँ, फिर ऐसा ही जुड़ गए भी मैं। हाँ, दीदी खुश हो गई, हाँ कर दिया ये दादी ने करके। मैंने किया पहले, दीदी मैं तो अकेली हूँ, कैसे मेहमान आएंगे, उनको कैसे खिलाऊंगी मैं, कैसे तरह से बोलूंगी मैं उनके साथ, ये हो रहा था, दुख हुआ था, कैसे करूंगी करके। मना तो नहीं किया मैंने दीदी को, मैंने कहा दीदी को, दीदी वो मेहमान लोग आएंगे, दो सब्जी मांगेंगे, वो कुछ वो ऑर्डर करेंगे। दीदी ने पूरा हिम्मत दिया मुझे, ना ना ही दादी ऐसा नहीं होगा, पहले चलाना है, पहले तो चलाओ, खाना जो आप खाओगे लोकल खाना वही देना है मेहमानों को। तो ये तो एहसास था ही कि यहाँ पर पर्यटन की संभावना है। जब मैं पहली बार सरपंच बनी 2003 में तो हमारे सामने ये चुनौती थी कि लोगों को कैसे अपने वन पंचायत से दोबारा जोड़ा जाए, क्योंकि हो क्या गया था कि अब पशुपालन धीरे धीरे कम हो रहा था, जंगलों पर निर्भरता भी कम हो रही थी, तो मीटिंग्स में लोग नहीं जुड़ रहे थे। तो उस समय हम लोगों ने ये फिर प्लान निकाला कि हम लोग संरक्षण के काम के साथ आजीविका को जोड़ें, और हमने होम स्टे का प्रपोज किया। शुरुआत में 13 फैमिलीज जुड़ी, एक्सपेरिमेंट था, लोगों के मन में ये था कि दो रोटी देने के लिए और बिस्तर देने के लिए हम पैसे कैसे लेंगे, तो ये कि आप अतिथि को घर में बिठाएं और उसके लिए आप पैसे लें, वो उस समय एक एलियन कॉन्सेप्ट था, लोगों को जचा नहीं। तो थोड़ा हमने सेपरेट किया, घर में जो लोग आते थे
वो हमारे क्लाइंट्स नहीं थे ना आज हैं, आप हमारे मेहमान हैं और मैं घर की मालकिन। तो एक तो वो रिलेशनशिप हमने, वो जो एक सहजता है उसमें, वो बना के रखी। बिजनेस को हमने अलग रखा, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है, पैसे का लेन देन, उसको अलग रखा। अलग रखा यानी कि अब तो हमारे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आता है, पहले भी मैं इंटरफेस थी जो पैसे लेन देन का था। परिवार में आप जब पहुंच गए तो आप उनके मात्र मेहमान हो। कुछ और हमने नियम रखे कि वही लोग होम स्टे कर सकते हैं जो जंगल में समय दे, श्रमदान करें, पौधारोपण करें और अपनी आमदनी से 1% 2% 2% रुपया आप उसमें योगदान दें, ताकि हम चौकीदार रख सकें और जो हमारे काम होते हैं उसके संरक्षण के, वो कर सकें। एक और शर्त थी कि हम लोग दुख सुख का साथ दें, यानी कि अगर लोग हमें पलट के कहते सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, कि कोई महिला परेशान है उसको सपोर्ट करना है, आ जाओ, साथ खड़े होते हैं, और वो मना कर दे, तो हम उनको कहें ठीक है आप बिजी हैं, यानी कि आपके पास काम धंधा सब कुछ है तो आपको होम स्टे की ज़रूरत नहीं है। तो ये करना कि आप होम स्टे तभी कर पाएंगे जब आप अपने प्राकृतिक संसाधनों का, अपने समुदाय का एक साथ बनाए रखेंगे और उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे होम स्टे में कई शर्तें हमने रखी हैं, यानी कि हम संगठित रूप से और सामूहिक रूप से काम करेंगे। अब क्या हो रहा है कि लोग, क्योंकि अब थोड़ा सा हवा बन गई है, मार्केट गर्मा गई, हर तीसरे घर में आपको होम स्टेज मिल जाएंगे, पर उसमें यही है कि ये लो कमरा, ये आप बैठ जाओ, मतलब एक सस्ता होटल के रूप में कर दिया है, जो हमें लगता है कि उत्तराखंड के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए क्योंकि होम स्टे तो एक तरह से आप अनजाने लोगों को अपने घर में ले आ रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर के कंट्रोल में रहें, आप मालकिन रहें। पैसे वाले लोग आएंगे, आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आप कैसे उससे निपटोगे? तो इसलिए सामूहिक रूप से करने में भी फायदा है। तो हमारा सेफ्टी नेट, हम एक दूसरे हैं। सो शर्तें ये हैं कि आप सामूहिकता बनाए रखेंगे, संगठित रहेंगे, दुख सुख में साथ देंगे। एक रोस्टर सिस्टम है कि जिसके पास आमदनी का कोई और स्रोत नहीं है उसको वरीयता मिलेगी। हमने शुरू किया था जब 2003 में, तो हम 13 परिवार थे। वन पंचायत के ज़रिए हमने शुरू किया था, फिर जाके हम 25 परिवार हुए। हम वापस अब 13 परिवार पर आ गए हैं। अब हम एक कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं। मैंने 2012 से हिमालय आर के से होम स्टे किया, इसलिए मैंने आगे ऐसे किया, जब हम होम स्टे करते समय आगे मैंने 6 महीने मीटिंग में गए, श्रमदान किया हमने, फिर हम ऐसे फिर मिलजुल के ऐसे फिर हिमालय आर के से होम स्टे किया हमने। पैसा आने लगे, फिर आगे मेरा एक ही आगे तो गांव में थे हम, फिर वहाँ से आगे हमने मकान बनाए, फिर इसलिए हमने ये रूम बनाए। आगे टॉयलेट बाहर थे हमारे, फिर हमने रूम बनाए, फिर थोड़ा मदद हमने ऊपर से लोन लेके आए, दीदी ने मदद किया उसमें। साइन करना भी नहीं आते थे हमको, वो साइन करना भी दीदी ने बताया हमको। मेरे आमदनी बढ़ गए और मैं सोच रही हूँ ये कमरा और बढ़ाते हूँ। लोगों के मन में हमेशा कौतूहल होता है कि पहाड़ी ज़िंदगी आखिरकार है क्या। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम अपनी जो पारंपरिक जीवन शैली है उसको हमारे जो होमस्टे का है या पर्यटन का काम का जो सेंटर पीस है वो हमारी ग्रामीण जीवन शैली रहेगी। उससे क्या होता है कि हम लोग अपनी खेती को, अपने ऊन के कारोबार को बनाए रखे हैं। और उससे ये भी हुआ कि जब लॉकडाउन आया और मेहमान आने बंद हो गए, हमारे यहाँ कोई टूटन नहीं रही, क्योंकि हमारी खेती चल रही थी। हमारे लिए पर्यटन मात्र एक और आजीविका का जरिया है, ना कि वो केंद्र बिंदु है। तो हमने अपनी पारंपरिक जीवन शैली को ही अपने पर्यटन का अभिन्न अंग बनाया है। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि रूरल टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन में जब पर्यटक आएगा, वो एक तरह का पर्यटन देखने आ रहा है, एक तरह का अनुभव लेने आ रहा है, और वो हम बनाए रखें। अगर हम होटल्स बना लें, शहर का हम लोग इमिटेशन या उसका कॉपी करने की कोशिश करें, तो हम लोग अपनी जो खास, हमारी खासियत को हम खो देंगे। पहले तो एक कमरा से एक्स्ट्रा था और टॉयलेट बाथरूम हम लोगों का बाहर था। तो 2004 से शुरू किया था, तो 11 में फिर 2 कमरे नए जोड़े मैंने उसमें।
उसमें ऐसे जोड़ा कि थोड़ा थोड़ा कमाई होने लगा, उसी से नया घर भी बनाया ऊपर। हाँ, अभी जैसे हम लोग कमा भी रहे हैं और घर से हम लोग कहीं भी इधर उधर जाना है, जैसे कभी गांव के संघर्ष है कुछ, कभी इलाके का संघर्ष है, कभी आस पड़ोस के संघर्ष है, उसमें भी हम लोग जुड़ जाते हैं। और कभी हम लोगों को मेला हेला करना है और हंसी मजाक करना है, ग्रुप है हम लोगों का, मज़ा आता है, कमाई भी है इसमें तो मज़ा भी आता है। हमारे ग्रुप में अभी 20 साल हो गए हैं। लोग मजबूरी के कारण नहीं हैं, वो एक समझदारी के कारण टिके हुए हैं। और अगर कोई हमारे मॉडल को बर्बाद करना भी चाहे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग ये समझ गए हैं कि एक साथ काम करने में हमारी कमाई थोड़ी फैल जाती है। मतलब वही है, रोटी के कितने टुकड़े करो, ज़्यादा टुकड़े होंगे तो छोटा छोटा टुकड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, रोटी को बड़ा कर दे रहे हैं और ज़्यादा लोगों को हम जोड़ लेते हैं, बशर्ते वो एक समझदारी से जुड़े। हमें क्या दिक्कत है जब लोग अलग होकर अपनी दुकानें शुरू कर लेते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके लिए कोई सिक्योरिटी नेट नहीं है और उसमें खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप अनजाने व्यक्ति को अपने घर के अंदर ले आ रहे हो। एक होटल में कम से कम सेपरेशन तो है, प्राइवेट और पब्लिक स्पेस में सेपरेशन है, यहाँ पर तो अनजाने लोग आपके घर में आ रहे हैं। वो आपसे ज़्यादा अमीर होंगे शायद, तभी तो वो घूम पा रहे हैं, वो छुट्टी पर आए हैं। अगर कोई अनबन होगी तो किसकी बात मानेंगे, आपकी मानेंगे या पैसे वाले की बात मानेंगे? उस समय आपको एहसास होगा कि अगर हमारा समाज साथ होता तो हमारी एक सिक्योरिटी होती, चाहे बच्चों का सिक्योरिटी हो, महिलाओं की सिक्योरिटी हो, घर की सिक्योरिटी हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब वो होड़ में है कि हम जल्दी जल्दी, जब तक ये होम स्टे का एक फैशन है, उसमें हम लोग जल्दी से कमा लें। पर वो हम उनमें और हम में फ़र्क यह है कि हम लंबे रेस के घोड़े हैं,